उसको उत्सव ही लगा लो। तो ये रिवाज है हमारा कि बसंत पंचमी के दिन से चाचड़ी स्टार्ट होती है और यहाँ पे दो गत्ते बैसाख मतलब 14 अप्रैल को कैरसन का मेला लगता है, बैसाखी का मेला लगता है, उस दिन इसका एंड होता है, उसके बाद फिर नहीं लगती है, फिर जब नेक्स्ट बसंत पंचमी आएगी फिर उस दिन से स्टार्ट होगा। अच्छा, तो इसका ये है, तो इसीलिए हम आज आए हैं यहाँ पे और हमारी संस्कृति लुप्त ना हो, हमारी संस्कृति बनी रहे, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं कि अगर आज हमने किया तो कल कोई और करेगा, परसों कोई और करेगा, जिससे हमारी संस्कृति हमारे बीच रहे और हमारे बच्चे भी ये सारी चीजें जाने की हमारे मम्मी हमारे पापा लोग हैं तो हम तक तो ये चीजें हैं, तो हमारे बच्चे कैसे जानेंगे आगे कैसे पता चलेगा। सही कि नहीं, अपनी युवा पीढ़ी को भी थोड़ा सा ना इस बारे में पूरा पता होना चाहिए। हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो ये चीजें तो हमारी मेमोरीज में रहेंगी, तो हमारे बच्चे भी इसको देखेंगे कि यार ऐसा ऐसा होता है हमारी पहाड़ की ढंग से होती है, तो वो भी कोशिश करेंगे आगे कि हम लोगों को भी ये चीज करनी चाहिए, हमें भी ये आनी चाहिए। तो इसी रूप में अगर सारे लोग ये जाने तभी हमारी संस्कृति बच सकती है, नहीं तो देख लो लोग सारे आधुनिक तक की ओर जा रहे हैं, ये सारी चीजें पीछे छूटती जा रही है। बहुत अच्छा बोला, धन्यवाद। तब वे में ताफेड़ लगाए दे और एक से एक फूल खिलाना, अच्छे अच्छे ताफेड़ लगाए दे नी बसंत ऋतु शुरू हूँ पूर्ण में ताफेड़ लगोनी और जब पोथी कौन पोथ गा देने बंद करें ताफेड़ा वो दिन बेटी बंद हुए गए तब ऋतु बोड़े बूढ़े गए नहीं पोथी और पंचमी बोड़े फिर हरिया संक्रांत बोड़े गए नहीं ऋतु आ तब उन दिनों बिल्कुल अपना मन से तो बिल्कुल बसंत ऋतु जन हुए ऋतु पे चाखेड़े रहो ना एक ही ऋतु बड़ी झुमेलो पहले गाँव में बहुत भेली की डेढ़ी गुड़ बांटी थी गुड़ थी एक गुड़ी भेली वो जमान में कख मिली गुड़ उ लोगो गुड़ बांटी थी गुड़ बांटे जी खुश खुश वो गुड़ खाना चाहिए आज कल जमान में लो मिठाई नहीं खाई देने गुड़ गुड़ आज कल जमान में लाल लाल लड्डू नहीं ना कैसे हटो वो अपने खन में लड्डू नहीं है लाल बोलते ये भी हम उन आदमी बोलते और सच्चे होने मोतीचूर के लड्डू हाँ मोतीचूर के लड्डू खाने तो चलिए दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे जो है चांचड़ी जो है वो लोग लगा रहे हैं और ये जो है पहाड़ी नृत्य होता है और इसके बारे में जो उन्होंने भी जानकारी दी है तो आप देख सकते हो और इसमें सभी मिलके मुझे नहीं आता ये ऐसे लगाते हैं चांचड़ी और ये देखिए यहाँ पे जो है चाय है लड्डू है और ये नमकीन है यहाँ पे और अम्मा जी चाय पी लिए गुस्से में और ये मोटी खाए पे खाई जा रही है देखिए रात का जो टाइम है अरे अम्मा जी है ये प्रणाम कर रही है हेलो माता जी है हाँ कविता क्या कह रही है
अच्छे लग रहे हैं। हेलो दोस्तों। हेलो, आप सब कैसे हो? हम दीवाना क्लब ग्वाल। ओके, और आज जो है हम पहुंचे हैं, कहाँ पे पहुंचे हैं? ग्वारतला में, सैन में। नहीं बस और नहीं भाई, नहीं 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 बस। और चाचरी चौफुला जो है वो हो चुका है। और ये देखिए पूरी की पूरी टीम प्लीज है। और देखिए जिन्होंने ये चाचरी और चौफुला जो लगाया है, जो नृत्य किया है पहाड़ी नृत्य, ये पूरी की पूरी टीम आप देख सकते हो। ये देखिए और कितने अच्छे और कितने सुंदर भी लग रहे हैं ये लोग, बहुत बढ़िया। संस्कृति को बनाए रखने के लिए जो इनकी पहल है उनको मैं सलाम करती हूँ। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने ना उधर ही जाएंगे हरियाणा में और याद करेंगे, ये वीडियो देखा करेंगे।